आखिरी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे अपने बाइसेप्स मसल और ट्राइसेप्स मसल दोनों की एक्सरसाइज, जिसकी आज हम बाइसेप्स मसल में 3 वर्कआउट करेंगे और ट्राइसेप्स मसल के भी हम 3 एक्सरसाइज करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज होने वाली है बहुत ही इंटेंस वर्कआउट होगा। आप इस वर्कआउट को पूरा देखें और एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मिलते हैं आपसे वर्कआउट में। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वही डेली रूटीन की तरह अपना एक बार स्ट्रेचिंग करेंगे अच्छे से अपने फुल बॉडी के, उसके बाद स्टार्ट करेंगे वर्कआउट। स्ट्रेचिंग हो गई हमारी कंप्लीट। अब पहले लगाते हैं वार्म अप सेट, जिसमें हम 3 सेट लगाएंगे क्लोज चिन अप के और 3 सेट लगाएंगे हम क्लोज पुशअप के। तो एक सेट में लगाता हूँ। एक सेट हो गया क्लोज पुशअप्स, क्लोज चिन अप का, बाकी 2 सेट और लगाते हैं फिर मिलते हैं। अब फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी बारबल कर्ल, जो कि हम बड़े बड़े रोड से लगाएंगे। पहला सेट है ये, तो लगाते हैं इसे। एक सेट कंप्लीट हो गया। अब 2.5 kg बढ़ाते वेट। सेकंड सेट है, और जो इसमें बारबेल आपको उठाना है, कोशिश करें आपकी थुड़ी तक आए रोड। थर्ड सेट है ये, और कोशिश करेंगे 10 रैप निकालने की। तीन सेट कंप्लीट हो गया और काफी हैवी वेट हो गया आखिरी का। 2.5 kg और बढ़ाते हैं, 8 रैप निकालेंगे इसमें। आखिरी हो सो बारबेल कर्ल के 4 सेट कंप्लीट हो गए हमारे। सेकंड एक्सरसाइज लगाएंगे हैमर कर्ल, जो कि डंबल से लगाएंगे। फर्स्ट सेट कंप्लीट हैमर कर्ल का। अगेन हर सेट में वेट बढ़ाएंगे इसमें।
दो सेट कंप्लीट हो गए। आखिरी सेट 22.5 kg से लगाएंगे क्योंकि हाथ ज़्यादा ही भर गए, तो 22.5 kg से 8 रैप निकालते हैं। हैमर कर्ल के 4 सेट कंप्लीट, दोनों हैवी एक्सरसाइज थी, बारबेल कर्ल और हैमर कर्ल। थर्ड हम थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करेंगे मशीन पे और रिवर्स कर्ल। फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया हमारा रिवर्स कर्ल का, इसमें वेट बढ़ाते हैं। दो सेट कंप्लीट हो गए और हमारे फोर आर्म्स बहुत ज़्यादा भर गए, इसलिए इस पट्टी को हटाते हैं और फिर वेट बढ़ा के फिर लगाते हैं। तीन सेट कंप्लीट, अगेन वेट बढ़ाते हैं। एक लास्ट सेट है 8 रैप। काफी भारी हो गया था वेट। और आखिरी सेट भी रिवर्स कर्ल का हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये थी हमारी बाइसेप्स की 3 एक्सरसाइज, जो कि काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब लगाते हैं ट्राइसेप्स की 3 एक्सरसाइज। तो ट्राइसेप्स कर्ल के लिए मशीन पे ही लगाएंगे फर्स्ट पुली पुश डाउन। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे तो जो ब्लैक बैक लैट पुल डाउन की रोड होती है उससे ट्राई करें, थोड़ा वाइड ग्रिप करके, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके ट्राइसेप्स मसल पे। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। इस तरीके से करना, जो आपकी ग्रिप होगी वो थोड़ी सी वाइड होगी शोल्डर से। सेकेंड सेट है, दो सेट कंप्लीट हो गए। हर सेट में आपको एक या दो वेट बढ़ाना है, वो आप देख लें अपने अकॉर्डिंग कितना आप वेट को कंट्रोल करके लगा सकते हैं, उतना वेट आप बढ़ाएं। अब ये लास्ट सेट है और लास्ट सेट में हम कम से कम 8 रैप निकालेंगे। मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो हैवी वेट में भी, और कोशिश करें वेट कंट्रोल करके मारे। पुल अप के 4 सेट कंप्लीट हो गए। अब इसमें सेकंड एक्सरसाइज इसी बारबेल से लगाएंगे हम रेयर पुल अप डाउन। इसमें भी ग्रिप वाइड रखनी है आपको।
अगेन इसमें एक एक वेट बढ़ाएंगे, दो सेट कंप्लीट हो गए। अरे प्रयास क्यों, आखिरी सेट अब वेट बढ़ाते हैं और 8 रेप लगाएंगे इसमें। सेकेंड एक्सरसाइज भी ट्राइसेप्स की कंप्लीट। अब थर्ड एक्सरसाइज करते हैं हम किक बैक, और किक बैक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके ट्राइसेप्स वर्कआउट में। आप किक बैक को ज़्यादा ज़रूर ऐड करें। आप अगर आप अपनी एक्सरसाइज चेंज भी करते हैं ट्राइसेप्स में, तो एंड में किक बैक की एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक सेट कंप्लीट। ये किक बैक की एक्सरसाइज भी होगी हमारी कंप्लीट, 4 सेट लगा दिए इसके भी, और ये थी हमारी 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की। सो गाइज, ये थी आज आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। काफ़ी इंटेंस वर्कआउट था और अच्छा रिजल्ट आएगा आपके बाइसेप मसल आप देखेंगे कि अच्छी ग्रोथ आई है, पंप अच्छा आया है। ट्राइसेप्स मसल की भी एक्सरसाइज काफ़ी इंटेंस थी और काफ़ी थोड़ी सी अलग थी अदर डेज के अकॉर्डिंग। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर अपने रूटीन में लाएँ और देखें, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी बने रहें।